इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या फैन में जो है कोई भी फैन हो, ये सीलिंग फैन हो या स्टैंड फैन हो, उसमें क्या ये कॉइल बढ़ा देने से उसका स्पीड बढ़ सकता है या नहीं, या कॉइल जो है कम करने से स्पीड बढ़ सकता है या नहीं, यानी कि जो है इसमें तार लपटा हुआ है, जो टर्न हम लोग लपटे हुए हैं, इसका जो है टर्न ज़्यादा कर देने से स्पीड बढ़ सकता है या नहीं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। कुछ लोग के मन में ये होता है कि इसका जो है टर्न बढ़ा देने से जो है स्पीड बढ़ सकता है, कुछ लोग के मन में ये होता है कि टर्न जो है बढ़ा देने से, ये कम कर देने से स्पीड बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि क्या टर्न हम लोग अगर बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ सकता है या टर्न कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ सकता है। तो इस वीडियो को जो है कंटिन्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बहुत अच्छी तरह से अभी समझाने वाले हैं कि क्या फैन का जो है टर्न बढ़ाने से स्पीड बढ़ सकता है। तो देखिए, फैन जब आप लोग किन के लाते हैं या कोई भी आदमी फैन किन के लाता है नया में, तो उसको जब हम लोग टांगते हैं तो क्या उसका जब वोल्टेज ज़्यादा आता है तो क्या वोल्टेज ज़्यादा आने से स्पीड उसका घटता है या बढ़ता है। तो देखिए, जब भी वोल्टेज आता है तो उस समय आपका फैन का जो है स्पीड बढ़ जाता है। तो क्या जब फैन का स्पीड बढ़ता है तो उस समय आपका आप कॉइल ज़्यादा फैन में लगाते हैं, कॉइल ज़्यादा तो नहीं लगाते हैं, कॉइल उतना का उतना रहता है और वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, तो उस समय क्या होता है आपका कॉइल जो है कॉइल का टर्न कमता है। तो इस सब इसके कारण से जो है आपका वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर वोल्टेज ये कोई भी फैन जो होता है ज़्यादातर 220 वोल्ट का आता है, तो जब 220 वोल्ट रहेगा तो वो अपना जो है पूरा सीमित आरपीएम में घूमेगा, जितना उसका आरपीएम रहता है उतना में वह घूमेगा। अगर जब 220 से जो बेसी वोल्टेज आता है तो वह पंखा जो है अपने आप तेज चलने लगता है। तो क्या उस समय कॉइल बढ़ाते हैं पंखा में? नहीं, कॉइल जो है उतना का उतना ही रहता है, तो उसमें आखिर स्पीड बढ़ क्यों जाता है? तो देखिए, कोई भी फैन हो उसमें जो है हम लोग अगर टर्न बढ़ा देंगे तो स्पीड कभी भी नहीं बढ़ सकता है। या हम क्लियर कर देते हैं कि अगर हम लोग टर्न बढ़ा देंगे, कॉइल को बढ़ा देंगे, तो इससे जो है हम लोग स्पीड जो है बेसी नहीं कर सकते। हम लोग जितना उसमें टर्न ज़्यादा लपटेंगे उतना जो है उसका स्पीड कमेगा, क्योंकि हम लोग जितना ये टर्न जो लपटाता है वह वोल्टेज के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है कि हम लोग इसको कितना वोल्ट देंगे, तो उसके हिसाब से उसका टर्न लपटा जाता है। तो जब हम लोग उसका तार जो है बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि वह ज़्यादा वोल्टेज खोजेगा और हमको जो है ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा नहीं, तो जिसके वजह से जो है फैन का स्पीड कम जाएगा। तो अगर कोई भी मोटर हो, ये कोई भी फैन हो, उसका जब हम लोग टर्न बढ़ाएंगे तो स्पीड कभी भी उसका नहीं बढ़ेगा, स्पीड जो है घटेगा ही। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हम लोग उसका टर्न बढ़ा देंगे, कॉइल बढ़ा देंगे तो उसे स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।